सबको बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक, हमारे पास जिसकी कल ईद है उनको एडवांस में ईद मुबारक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? तो आज माशाल्लाह हमारे ईद है यूके में, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और जिस जिस की आज ईद है उन सबको ईद मुबारक, जिन जिनकी कल ईद है उन सबको एडवांस में ईद मुबारक। आधा यूके आज ईद कर रहा है, आधा यूके ने कल ईद करनी है, आधा यूरोप, बल्कि यूरोप कम्प्लीटली ऑलमोस्ट सारे आज ईद कर रहे हैं, आधा यूके जो है वो कोई पाकिस्तानी को फॉलो करता है, कोई फॉलो करता है मोरक्को को, कोई फॉलो करता है सऊदी अरब को। ये एक लंबी बहस है, कट शॉर्ट इस तरफ नहीं जाते, कट शॉर्ट स्टोरी हमारी आज ईद है, तो सबको ईद मुबारक। अभी जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने, और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। मैनचेस्टर से मैं वापस आ गया था, लेकिन अंदर हफ्ते का गैप पड़ गया वीलॉग्स में, क्योंकि इतना कोई बिजी रहूं कि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। बहरहाल वो सारे एडिट होंगे और अपलोड होंगे, लेकिन अभी जो लास्ट आपने वीलॉग देखा है वो टू बी कंटिन्यूड है। इंशाल्लाह उसका जो इस व्लॉग के बाद उसका नेक्स्ट पार्ट लगाएंगे, तो इसके लिए माजर जो हफ्ता डिले हुआ है, लेकिन ये है कि ये भी ज़रूरी था, आज ईद है तो ईद मुबारक कहना ज़रूरी था। आज का व्लॉग इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, सिर्फ ईद मुबारक कहने के लिए आपको। तो भी चलते हैं, चल के ईद की नमाज़ पढ़े, सबको मिलते जुलते हैं। तो मौसम आपको पता ही है, बड़ी इनका बदलता है मौसम, रंग कैसे कैसे, अभी बादल है, क्या होता थोड़ी देर बादल ना रहे। बहरहाल साथ रहिएगा ट्यून, आज का ईद का व्लॉग कवर करते हैं। अभी बाहर निकल के भावना चाहिए, सब कुछ हो रहा है, मस्जिद में माशाल्लाह काफ़ी रौनक है। अभी चलकर इमाम साहब को ईद मिलने, ईद की रौनकें हैं सब। सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, जिन जिनकी ईद आ जाए, यूके, यूरोप वाले, और जिस जिसकी भी आज ईद है सबको ईद मुबारक, और जिसकी कल ईद है उनको एडवांस में ईद मुबारक सब की तरफ से। और अपनी ईद की खुशियों में सबको अपने इर्द गिर्द लोगों को लाजमी याद रखिएगा। सारे इतनी तस्वीरें बनवा रहे हैं ना, और मेरी तस्वीर नहीं किसी ने, कितनी जाति की बात है, अच्छे बनाई नहीं है मैंने भी। सारे खड़े थे, सारे कहते तस्वीर बनाओ, तस्वीर भी शेयर करूँगा, लेकिन मैंने सबकी तस्वीर बनाने के लिए अपनी सेल्फी खींची थी। इन सबको बाद में पता चलेगा जब तस्वीर नहीं निकलेगी अंदर से। एक तस्वीर मैंने खींची थी, बहरहाल इससे ताल्लुक रह गया था। भाई थोड़ा कैमरा चाहिए, ये हमारे बैडमिंटन के प्लेयर ही हैं, बैडमिंटन खेलते हैं हमारे साथ। लोग कहते हैं ब्लॉग प्लान होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, मैं कहता जवाब बातें करें ये ब्लॉग है। खुद कह के और खुद ही चुप हो गए हैं। आफिफ भाई मेरे बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, तो इंशाल्लाह ये जल्द इंडस्ट्री में आ रहे हैं। पतले हैं लेकिन हैं बहुत बड़े मोटिवेटर, मोटिवेटर बहुत बड़े हैं, अनकरीब इंडस्ट्री में आ रहे हैं। इंडस्ट्री बोले तो वी लॉगिंग में आ रहे हैं। नया ड्रोन ऑर्डर किया है भाई ने, खुद तो चलाना तो नहीं, वो मैं चलाऊँगा इंशाल्लाह। और सेकेंड मोटिवेटर, फर्स्ट मोटिवेटर, ये सेकंड मोटिवेटर, पहला सबसे बड़ा मोटिवेटर वाकई यही है मेरा, जिसने मोटिवेट किया मुझे। हम तो इनिशिएटर हैं। भाई मकबूल को अगवा करने की कोशिश की है पूरी, तो इनके साथ गाड़ी में बैठना पड़ा था कि कहीं भाग ना जाए। मैंने कहा ईद का मौका है तो पहले हमारी तरफ चले, चल के कोई थोड़ा बहुत पेट पूजा करें, फिर आगे जाइएगा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है। तो ये एक अगवा करने की कोशिश थी मेरी। महाराज जी बड़े प्यारे अजीज हैं हमारे जी, इनका खलूस और प्यार जी कैसे ठुकरा सकते हैं जी। खलूस से प्यार ही होता है बंदे का, पीछे याद रखा जाता है बंदा, नहीं कि कह लो मिट्टी की मिट्टी हो जाना हो जाना। बिल्कुल सही गल है, कहीं गए तो कहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। सैयद मुख्तियार हुसैन शाह फ्रॉम आली शाहरी साढ़े जनाब गुआंढी ने पाकिस्तान में, गुआंढी मतलब के नाल पिंड ने साढ़े ऑलमोस्ट, तो पक्के पीढ़े शाहरी स्पेन तो इतने मूव हुए ने, ते शाह नवी जनाब साढ़े तीन प्रेस होकर टैक्सी कर ली है। फ्लैक्सीबल बिजनेस। अजी कैसी ईद गुजर रही है? ईद अच्छी गुजर रही है, ते उमर साहब दे जेड़ा ना भी लाग ना बनाया है, इनू जनाब शेयर भी करया करो, ते कमेंट्स भी करया करो, क्योंकि ये बड़े नाइस बंदे ने,
ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਕੋਨੀ 4-5 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 200 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਪਈਆ 1400-1500 ਪਾਉਂਡ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਰਪ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਖੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਸ ਦੈਟ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚਲਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕੱਟ ਛੱਡ ਮੁਰਾਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਈਦ ਮਾਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੋ ਜੋ ਅੱਜ ਈਦ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਉਸਕੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹ ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ईद की नमाज पढ़ के तो आके शाहरुख से विक्ट्री का साइन दिखा दी है नमाज पढ़ के ईद तो यह करम मना रहे ना भाई जी चिल माहौल नहीं हुई है 6:30 जमात अच्छा 10:30 तो जमात थी तो 11:30 का अलार्म लगाया ओए 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 चलें जी ये हमारे करम भाई करम हेलो कर दो कैमरे में देख के हाथ चला दो हाँ ये आ गया जनाब जवान जो उस टाइम सोया हुआ था जिसने बिस्तर से विक्ट्री के साइन में आ रहा था ना करम आप ईद मुबारक कहना चाहेंगे सबको खैर मुबारक ईद मुबारक जी सॉरी तो यार मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और ईद भी माशाल्लाह अच्छी गुजर रही है तो अभी हम लोग करम की तरफ आए थे करम बहुत नाइस बच्चा है स्टूडेंट ही है स्टूडेंट आया था इधर यूके में अभी तो उसकी डिग्री ख़त्म हो गई है अब इधर अंदर से फूल रहा है कि मैं ज़्यादा अच्छा कह रहा हूँ लेकिन आप लोगों की खातिर इसका भी किसी दिन इंटरव्यू करना पड़ेगा जो स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं यूके में स्टूडेंट लाइफ कैसी है तो इसने अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ इधर गुजारी है और साथ काम भी किया है साथ अपनी फ़ीस भी निकाली है साथ डिग्री भी की है और इंशाल्लाह जल्द अनकरीब नेशनैलिटी होल्डर भी बन जाएगा अभी करम जा रहा है काम पे इसने ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं मारी अंदाजा लगा ले ना पौना दी क्या कहने ने भजी पई हुई है हमने ऑफ मारी है यार मुझे ऑनेस्टली इसके सामने फ़ोन आया ऑफिस से कि कोविड जॉब है मैनचेस्टर की मैं इसके सामने ना किया मैंने कहा लड़के के आज घुमाते फिराते हैं इसको मैं लेने आया हूँ अरे मैं तो काम पे जा रहा हूँ जाती है करम फिर कहते हैं बड़े ख्याल रखते छोटूंगा ईद का दिन तकरीबन ख़त्म हो गया है लेकिन बहुत अच्छी ईद गुजरी बहुत अच्छा दिन गुजरा सब दोस्तों के साथ घर वालों के साथ और मिलने जुलने में आगे पीछे बस ऐसे दिन गुजर गया लेकिन यही है ईद में ईद की यही खुशियाँ होती हैं आप सबको मिलें जुलें आपस में खुशियाँ बांटें ईद वाले दिन तो एटलीस्ट जो अपना आपके मुल्क का लिबास है वो पहने नॉर्मल तो इधर ईद शुरुआत में पहनने का मौका नहीं मिलता लेकिन ईद हो या कुछ भी ऐसा हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मस्ट शुरुआत में पहनूँ क्योंकि पाकिस्तान में तो पहनते हैं बहुत लेकिन यहाँ पे आके मतलब कभी पहनने का चांस ही नहीं मिलता ये आज उतारनी है इसके बाद दोबारा चांस नहीं मिलेगा कभी कभी यार रात को आप पहन के दोस्तों के साथ निकल जाए तो पहनी हुई है वरना नहीं वरना नॉर्मली पैंट शर्ट ही पहनी हुई है जीन्स पहनी हुई है बस और सारा दिन ऐसे ही गुजर गया तो अभी सीन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से इस ब्लॉग को एडिट करके अपलोड करूँ ताकि ईद पर आप सबको ईद मुबारक कह सकूँ नॉर्मली अब मैं थोड़ा वॉक्स में पीछे चला गया हूँ क्योंकि जो हफ्ते का गैप पड़ गया अंदर बिजी बहुत था स्केड्यूल बिजी था तो इसलिए एडिट नहीं कर सका मतलब कि तीन चार ब्लॉग्स पीछे हो गया हूँ वो आपको बताया आगे कि मैनचेस्टर से वापस आ गया तो जो मैनचेस्टर के थे या ऑन द वे जो ब्लॉग्स थे वो सारे शूट पड़े हुए हैं लेकिन उनको एडिट करने का टाइम नहीं मिला इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी जल्दी एडिट करके अपलोड करूँ लेकिन ये वाला ब्लॉग आज पहले एडिट करूँगा पहले लगाऊँगा क्योंकि ये ईद का है और आज ईद है तो
एक बार फिर सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और जिनकी आज ईद है उनको ईद मुबारक। और जब तक ये अपलोड होगा तो पाकिस्तान में भी ईद हो चुकी होगी, तो पाकिस्तान वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अब आज का व्लॉग फिर यहीं ख़त्म करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।